जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। और आज लेकर आए हैं दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास है और टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना दोस्तों, अणुगति सिद्धांत, है ना दोस्तों। काइनेटिक थ्योरी यानी कि गतिक थ्योरी जो होगी गैसेस की, उसके ऊपर कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर से आपके रिलेट करते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम आपको कंसेप्ट भी कराएंगे और उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे दोस्तों, है ना। तो देखें जरा स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे आप, अगर किसी भी गैसेस की हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है तो याद रखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, 3/2 RT। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखेंगे, बाकी किस कंसेप्ट के ऊपर कहां पर क्या फॉर्मूला लगाना है वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा, है ना। तो देखेंगे ज़रा, ठीक है, 3/2 R और T। R क्या होगा यहाँ पर, नियतांक होगा, और T क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है दोस्तों। देखें ज़रा आगे, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। देखेंगे ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल एट STP, है ना। देखेंगे जरा, STP ये तापमान की वैल्यू दी गई है, STP पर साधारण ताप की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम मोल गैस की गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं याद रखेंगे आप, 3400 जूल, 300 जूल, 400 जूल या नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे आप दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मैंने अभी आपको बताया, 3/2 RT, और इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो R की वैल्यू कितनी होती है, 8.8, 31 इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, 8.31 इसको आप 8.31 इसको आप ले सकते हैं पूरा ना लेके। और अगर STP पर टेम्परेचर की बात करें तो याद रखेंगे कितना होता है, 273 होता है, कितना होता है, 273 होता है, याद रखेंगे आप। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें हम तो कितना बन जाएगा, ये 4.1 के समथिंग आ जाएगा, और ये वैल्यू बनेगी हमारी 273, है ना दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या दिए गए अगर हम बात करें, 3400, 3000 या 4000, इनके समथिंग आपको बताना है, है ना दोस्तों। जब इनकी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो याद रखना 33579 आ जाएगा, है ना। यानी इसको अगर हम देखें तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, बताएं जल्दी से ज़रा भाई, क्या क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, याद रखेंगे आप 3400, हाँ पहला ही ऑप्शन आपका 3400 के इक्वल ये हो जाएगा। इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं जल्दी ज़रा, क्या बोला गया, सिलेंडर में भरी किसी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग 400 मीटर पर सेकंड है, क्या बताया गया। देखो वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, समझ गए दोस्तों, क्या बताया गया कितना है, 400 मीटर पर सेकंड है। आगे क्या बताया गया, यदि आधी गैस निकाल दी जाए तो नया वेग क्या होगा, हमने क्या करा, आधी गैस को निकाल दिया, ठीक है। आधी गैस को निकालने का मतलब क्या है, द्रव्यमान कैसा कर दिया दोस्तों हमने, पहले का आधा, भाई पहले मास कितना था इसका m1, अब मास कितना कर दिया हमने, पहले का आधा कर दिया, यानी अब मास कितना हो गया, m1/2 हो गया। पूछा क्या गया है बताइए, यदि आधी गैस निकाल दी जाए, द्रव्यमान आधा कर दिया भैया, तो बताइए नया वेग क्या होगा, 200 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड या 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा डी ऑल ऑप्शन देखें, क्या बोला गया, 200 मीटर पर सेकंड, 400, 800 और डी दिया गया है, नन ऑफ दीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो बताएं जल्दी जरा, देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, पहले हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें VRMS की, तो VRMS का फॉर्मूला कितना होता है याद रखेंगे आप, वर्ग माध्य मूल निकालने का मान जो होता है 3RT/m होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको स्पेशल याद रखनी है, 3 कॉन्स्टेंट हो गया, R भी नियतांक हो गया, 8.31 इसकी वैल्यू होती है, तापमान क्या हो गया, T हो गया, और नीचे क्या है ये m अणुभार है दोस्तों, याद रखना एटॉमिक वेट है, ये द्रव्यमान नहीं है, याद रखना ये गैस का द्रव्यमान नहीं है। यानी आप ध्यान रखेंगे कि वर्ग माध्य मूल मान जो होता है द्रव्यमान पर, इसको लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपका क्या ऑप्शन हो जाता है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दोस्तों, नहीं बदलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, जल्दी देखें जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी देखें जरा, थर्ड में क्या बोला गया, समान ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। क्या बताया गया आपको, एक तो हाइड्रोजन की गतिज ऊर्जा और किसकी, ऑक्सीजन की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है, ठीक है। चलो जी, इतनी वैल्यू आपको बतानी है, बताएं जल्दी जरा कितना निकल के आएगा। समान ताप पर याद रखेंगे, टेम्परेचर कैसा है, समान है, इक्वल फॉर बोथ गैसेस, दोनों गैस के लिए, हाइड्रोजन भी और O2 भी, दोनों के लिए T कैसा है, समान है। इतनी बात याद रखेंगे आप, तो देखें जरा काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी अभी आपको बताया 3/2 RT, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, समझ में आ गई बात। और टेम्परेचर कैसा बोला गया, समान बोला गया, इसका मतलब जो अनुपात होगा किस किस में अनुपात होगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, वो भी कैसा होगा, समान होगा। और समान अनुपात का मतलब होता है 1:1, याद रहेगी बात दोस्तों इतनी, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, देखें अपनी स्क्रीन पर, यदि किसी आदर्श गैस के ताप और आयतन को 2 गुना कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, या दाब क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन दिया गया है 4P, 2P, P या P/2, बताएं जल्दी से जरा। आदर्श गैस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ताप और आयतन दोनों कितने कर दिए हैं, ताप भी 2 गुना कर दिया है और आयतन भी 2 गुना कर दिया गया है, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या बताना है, अब आपको दाब बताना है कितना हो गया, बताएं जल्दी से जरा, फटाफट से इसका आंसर दें आप, क्या ऑप्शन इसका सही होगा यहां पर, जल्दी से करके बताएं। देखो अगर आदर्श गैस की बात करें तो पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, भाई ये तो होती है आदर्श गैस की बात। अगर मैं बोलूं पी बराबर क्या होता है, एनआरटी, बटे में क्या आ जाता है, वी आ जाता है। उसने कहा ताप को भी 2 गुना कर दिया और आयतन को भी 2 गुना कर दिया, समझते रहे मेरी बात, क्या कहा गया है सवाल में, किसी आदर्श गैस के ताप और आयतन, ताप को और आयतन को दोनों को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया गया, तो बताइए दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब भिन्न में जितना गुणा ऊपर किया गया उतना ही नीचे किया गया हो, यानी उन दोनों का कैंसिल होके कितना आ जाएगा, याद रखेंगे आप, कितना आ जाएगा, जो पी आएगा वो पी ही रहेगा, यानी समान रहेगा, दाब कैसा रहेगा, समान रहेगा। और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है, सेम वाला कौन सा है बताओ, पी, हाँ सी, सी आपका आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जल्दी से आए दोस्तों, देखें जरा क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5। ये कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और ज़्यादा चीज़ें हमको क्लियर करनी है, है ना। तो हम ये 25 क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आया करेंगे, 25 या टॉप 20 या 25 क्वेश्चन, जिनमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस आपके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, है ना। थ्योरी अगर पढ़ाने लगे दोस्तों तो एग्जाम की डेट काफ़ी पीछे हमारी जा चुकेगी। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं, क्या बताया गया, निश्चित द्रव्यमान की गैस का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दिया गया, 373 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, और करने में वर्ग माध्य मूल मान किस प्रकार बढ़ेगा, ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई, यानी सीधा सीधा VRMS उसने हमसे पूछा है कि बताइए कितना बढ़ेगा। ऑप्शन दिया गया है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स या 4 टाइम्स, समझ में आ गई बात दोस्तों। देखें जरा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, याद रखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कितने से ऐड कर देते हैं, याद रखेंगे दोस्तों 273 से 273 को ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और केल्विन में ही इसका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि VRMS जो फॉर्मूला हम लगाते हैं उसमें याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, तो याद रखेंगे आप। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो यार इसको कन्वर्ट करें, 273 ऐड करो कितना बनेगा, 300 केल्विन बन जाएगा,
और इसको भी 273 ऐड करो, कितना बन जाएगा 600 केल्विन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखना जरा, अगर हम इसकी बात करें, क्या पूछा गया था? हाँ, VRMS के बारे में बात की है, यही तो पूछा है ना। देखो जरा, अगर मैं VRMS के बारे में बात करूँ तो √3RT/m, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ VRMS प्रोपोर्शनल होता है √T के। बात समझ में आ रही है दोस्तों? VRMS क्या होता है? √T के समानुपाती होता है। जितना आप इसमें इंक्रीज करेंगे उतना इसमें अपने आप हो जाएगा, या इसमें करेंगे अपने आप हो जाएगा। तो देखें जल्दी से जरा, टेम्परेचर में क्या किया गया है? टेम्परेचर को दुगुना किया गया है। क्या कहा मैंने आपसे? टेम्परेचर को दुगुना किया गया है। यानी VRMS की अगर मैं बात करूँ तो VRMS भी कितना हो जाएगा? √2 दो गुना हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है ए। समझ में आ गई बात दोस्तों? टेम्परेचर को जितने गुना किया जाएगा वही वैल्यू कहाँ आ जाएगी आपकी? इस टी की जगह आपको रखनी है। क्लियर है बात? देखिए जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे जरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको क्लियर होने चाहिए, जिनके ऊपर हम काम करेंगे दोस्तों। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया। परम शून्य ताप पर गैस का दाब कितना होगा? फिर दोबारा सुन ले क्या बताया गया। परम शून्य ताप पर यानी टेम्परेचर आपका 0 केल्विन हो तो पूछा गया है गैस का जो दाब होगा वो कितना होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर तापमान 0 है तो याद रखेंगे गैस का आयतन भी कितना है? 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर रहेगी? और इसी से याद रखना काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। पूछा क्या आपने? दाब पूछा है। जब ये 0 है तो दाब भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। बात समझ में आ गई? अगर परम शून्य ताप की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो याद रखेंगे टेम्परेचर 0 केल्विन, आयतन 0, काइनेटिक एनर्जी 0, और ये तीनों मिलके दाब को भी क्या कर देंगे दोस्तों? 0 कर देंगे, शून्य कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखें जरा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, देखें जरा क्या बोला गया है नंबर 7 में। जल्दी से देखें जरा, केवल दाब द्वारा किसी गैस को द्रवित करने के लिए कितने ताप से कम तक ठंडा करना पड़ेगा? फिर दोबारा सुन लो, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पर हमको मिला है इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दोस्तों, ठीक है? आपकी स्क्रीन पर है, देखें जल्दी जरा। केवल दाब द्वारा किसी गैस को अगर आपको क्या करना हो दोस्तों? लिक्विड में कन्वर्ट करना हो। किसकी हेल्प से? बाय ओनली प्रेशर, है ना, दाब के द्वारा। तो कितने ताप से कम ताप तक ठंडा करना पड़ेगा गैस को द्रवित करने के लिए? कितनी वैल्यू से कम ताप को लेना पड़ेगा? तो याद रखेंगे इस ताप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रांतिक बिंदु बोलते हैं इसको दोस्तों, और याद रखेंगे ये क्या होता है? डी होता है, ठीक है? सवाल नंबर 8 है, सामने देखें जरा। गैसों के अणुओं का माध्य मुक्त पथ निर्भर करता है। फिर दोबारा सुनेंगे दोस्तों क्या बताया गया। गैसों के अणुओं का मुक्त माध्य पथ, है ना, निर्भर करता है। क्या बताया गया? d² d^-2 और d^-1। अगर हम मीन फ्री पाथ की बात करें दोस्तों, देखेंगे जरा, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। और ये किसका फॉर्मूला होता है? फ्री मीन पाथ, है ना, मुक्त माध्य पथ, जिस पर पार्टिकल फ्रीली अपना ओपन क्या करेंगे? मोमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें तो 1/d² इसको ऊपर ले जाएंगे तो d^-2 आ जाएगा दोस्तों, इसके प्रोपोर्शनल होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है सी। क्लियर? नंबर 9 पर आते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शर्त में वास्तविक गैस द्वारा समीकरण PV=RT को अधिकतम सीमा तक पालन किया जाता है? जल्दी से बताएं जरा, क्या बताया गया? वास्तविक गैस समीकरण PV=RT को अधिकतम सीमा तक पालन किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर,
सी दिया गया है, लो प्रेशर है ना दोस्तों, और हाई टेम्परेचर। डी दिया गया है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। याद रखेंगे आप पीवी बराबर एनआरटी किस सीमा तक पालन करेगी दोस्तों, यानी ये जो सीमा बता रहे हैं हम, ये कौन सी सीमा है जिसमें लिक्विड गैस क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। याद रखना ये कौन सी पोजिशन की बात कर रहे हैं जहां पर आपकी कोई भी गैस क्या होगी, कन्वर्ट नहीं होगी दोस्तों, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, है ना, वो गैसेज स्टेट में ही रहेगी। और ऐसा कौन है याद रखेंगे, निम्न दाब उच्च ताप, यानी ऑप्शन सी आपका यहां पर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 11, 10, 10 की बात करें, देखें जरा क्या बताया गया, किसी गैस के लिए वर्ग माध्य मूल अधिकतम होगा, जल्दी से बताएं जरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों कोई नहीं, अगर हम बात करें वर्ग माध्य मूल मान, है ना, वर्ग माध्य मूल मान VRMS प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के, आप सभी लोग जानते हैं। अब हमको ये बताना है कि VRMS की जो वैल्यू होगी वो किसके लिए ज़्यादा होगी, याद रखेंगे दोस्तों, जिसका अणुभार कम होगा उसका वर्ग माध्य मूल ज़्यादा होगा, याद रखेंगे आप, जिसका अणुभार एटॉमिक वेट जितना कम होगा, एटॉमिक वेट जितना कम होगा उसका वर्ग माध्य मूल मान उतना ही अधिक होगा। तो बताइए ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा या हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का अणुभार कम होगा, जिसका अनुभार कम उसका क्या होगा, VRMS ज़्यादा होगा, और आपका ऑप्शन ए क्लियर हो जाता है दोस्तों। नंबर 11 पर आते हैं, जल्दी देखें जरा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, दो भिन्न भिन्न गैसों में प्रत्येक के दाब ताप और आयतन में क्रमशः PT और V हैं, यदि इन गैसों को समान आयतन और समान ताप पर मिलाया जाए तो मिश्रण का दाब क्या होगा। याद रखेंगे दोस्तों डाल्टन का नियम, कौन सा नियम था, एक डाल्टन का नियम, और डाल्टन ने हमको क्या बात बताई, यही बात बताई जो उसने हमको बोला, क्या बोला है कि दो भिन्न भिन्न गैसों को जिनके दाब और ताप और आयतन तीनों कैसे हो, समान हो, तो याद रखेंगे इन तीनों गैसों को समान आयतन और ताप पर मिलाया जाए तो मिश्रण का दाब जो होगा वो याद रखेंगे सभी गैसों के अलग अलग दाब के बराबर होगा, तो P+P कितना हो गया, 2P हो गया, और ऑप्शन हो जाता है आपका सी। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, बातें समझ में आ रही हैं, अगर किसी चैप्टर में से ये 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो चैप्टर आपकी मुट्ठी में होता है भाई, आपको वहाँ डेरिवेशन प्रूफ तो करना नहीं है, आपको पूरी कहानी लिखनी तो है नहीं, है ना दोस्तों, तो याद रखेंगे आप मैक्सिमम मार्क्स हमको चाहिए तो केवल कंसेप्टुअल हम क्वेश्चन को करेंगे। आगे चलते हैं, देखें जल्दी जरा क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 12 पर, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखें जरा क्या बोला गया क्वेश्चन, किस ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान ऑक्सीजन के 47°C है ना, ताप पर वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होगा दोस्तों, तापमान पूछा है हाइड्रोजन का, इस तरीके से आप नोट कर लिया करें, और किसका दिया है उसने 47°C ऑक्सीजन का दिया है, इसको 273 में जोड़ के केल्विन में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 10 हाँ ठीक है, क्लियर है ना, हाँ इसको आप कन्वर्ट कर देंगे बाकी जो वैल्यू आएगी वो भी इसी में आ जाएगी, तो यहां से देखें जरा 320 केल्विन हो जाता है दोस्तों, क्या बताया गया ताप पर, कितने ताप, किस ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान ऑक्सीजन के 47°C ताप पर वर्ग माध्य मूल के बराबर होगा, यानी याद रखेंगे आप जो VRMS हाइड्रोजन का है वो बराबर दिया गया है VRMS ऑक्सीजन के, इतनी बात समझ में आ गई, और पूछा क्या है हमसे, टेम्परेचर पूछा है किसका, हाइड्रोजन वाले का, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर मैं बात करूँ, देखना जरा यहाँ से देखो, अगर हाइड्रोजन के अणुभार की बात करें, अणु कितने हैं, 2, वेट कितना है, तो 2 ही कम 2, अगर ऑक्सीजन की बात करें, है ना दोस्तों, तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, जल्दी से बताएं जरा, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, और पार्टिकल कितने हैं, 2, तो 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखें जरा, अगर हम VRMS की बात करें तो ऊपर क्या आता है, ताप टेम्परेचर, नीचे क्या आता है, मास, ऊपर क्या आता है, टेम्परेचर, नीचे कितना आता है, मास नहीं सॉरी अणुभार की बात कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, निकालना क्या, हाइड्रोजन निकालना है ना, तो इसको उधर भेज दो, बताओ ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना देगा,
320 और मास कितना आ जाएगा 32, हाइड्रोजन का भी इधर आ गया 2, तो कट गया 16 आ गया। अगर हम यहाँ से आगे की बात करें तो देखो जरा कितना बना है 320 by 100 16, और यहाँ से काटो इसको कितना बनेगा 20 आ गया। कितना आ गया 20 केल्विन। इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाता है ऑप्शन ए सही। बात समझ में आ गई दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है आपका ए। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे याद रखना। VIP इंपोर्टेंट डाल देना, अच्छे क्वेश्चन है कंसेप्ट के। चले जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर चलता हूं, देखें जरा क्या बोला गया। कमरे के ताप पर किसी द्वि परमाणु के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान कितना है दोस्तों, 1930 दिया गया है। VRMS बराबर कितना होता है, √3RT/m। VRMS 1930 दिया गया है। आगे क्या बोला है, द्वि परमाणु गैस। अच्छा ठीक है, और कौन सी गैस है आपको बताना है, कौन सी गैस है। तो कौन सी गैस का कैसे बताएंगे, मास से भाई अणुभार हम निकाल लेते हैं, जो भी अणुभार आएगा वही क्या होगा, उस गैस का अणुभार कहलाएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए जरा एम निकालने की अगर हम बात करें तो क्या क्या उसने दे रखा भाई, आर की वैल्यू दे रखी है हमको, टेम्परेचर दे रखा है क्या उसने, टेम्परेचर दे रखा है क्या, नहीं। लेकिन उसने बोला क्या, रूम टेम्परेचर। याद रखेंगे रूम टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन होता है, और एम मुझको ये चाहिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों, इसको कर लेंगे आप। यहाँ से जो भी आपका एम का आंसर आएगा, जैसे मान लिया एम का आंसर कितना आ गया 16 आ गया या 8 आ गया, तो 8 का मतलब कौन सी गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई। 8 का नहीं 6 ये आएगा 32। अगर 32 एटॉमिक मास आ गया, द्वि परमाणु का है ना, तो यानी दो ही परमाणु का मतलब है शुरुआत में से कोई होगी। तो याद रखेंगे अगर इसका आंसर 32 आ जाता है तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर इसका आंसर 2 आ जाता है, ग्राम में आएगा जो ये वैल्यू आएगी, ग्राम में आएगी जो, अगर 2 आ जाता है तो कौन सी गैस हो जाती है, हाइड्रोजन हो जाती है। और 2 ही आपको ऑप्शन में दे रखी है, है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई आपको, देखेंगे जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको कर लेंगे ना, यहाँ से आगे इसको आप सोल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, देखें जरा क्या बोला गया क्वेश्चन में। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा, किस ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात बताइए। अच्छा किसी ताप पर O2 और हाइड्रोजन के, अच्छा ये बता रखा है दोस्तों VRMS O2 और VRMS H2, इनकी वैल्यू बतानी है, टेम्परेचर के बारे में बात नहीं बताई गई है, है ना दोस्तों। केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात की गई है, समझ में आ रही है बात। देखो याद रखेंगे आप, जो VRMS होता है वो प्रोपोर्शनल होता है √m के, इतनी बात तो आप जानते हैं। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो O का जो m है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और हाइड्रोजन का कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन की बात करें तो 2 आ जाता है, इसकी बात करें तो 16, तो 2 × 8 = 16। आंसर क्या क्या दिया गया आपको बताना जरा, गलती हो गया, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ओहो अच्छा ये 2 है ना, ठीक है भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात की गई है ना, अच्छा ठीक है, ये O है तो ये कितना बन जाएगा 32, और यहाँ से कितना निकल के आएगा बताओ जल्दी से जरा, 1/16 यानी कि 1:4, ये इसका आंसर हो जाता है। याद रखेंगे आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है कौन सा दोस्तों, डी हमारा ये आंसर हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। आगे की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा। दाब P पर किस कण का वर्ग माध्य मूल मान वेग V है, यदि दाब को 2 गुना कर दें तो वेग बताइए। दोस्तों याद रखना VRMS जो होता है, याद रखेंगे आप, VRMS जो होता है वो समानुपाती नहीं होता है, यानी वो डिपेंड ही नहीं करता है VRMS। याद रख ऐसा लिख लेंगे आप, दाब बोला है ना, हाँ दाब को 2 गुना कर दो, दाब पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे P ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, सॉरी आयतन पूछा है ना,
अरे आयतन पूछा है ना, वेग, वेग पूछा उसने। फिर दोबारा सुन लो, किसी कण का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो वी है, और दाब को दो गुना कर देने पर बताइए ये वेग कितना हो जाएगा। तो याद रखेंगे वीआरएमएस के कहीं भी फॉर्मूले पर दाब पी नहीं आता है, यानी वीआरएमएस पी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पी को आप चार गुना कर दो चाहे दस गुना कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो याद रखेंगे आप, जो ये वीआरएमएस है इसके लिए आयतन जो है वो वी ही रहेगा, यानी ऑप्शन हो जाता है आपका डी। नंबर 16 पर आते हैं, देखिए जरा, एक समान चाल से गतिमान ट्रक गैस से भरे सिलेंडर में रखे हैं। याद रखेंगे एक समान चाल से गतिमान कोई ट्रक है और उस ट्रक के अंदर क्या रखे हैं, सिलेंडर भरे रखे हैं, तो सिलेंडर के अंदर गैस का ताप होगा। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे आप, जो सिलेंडर है वो स्थिर है। क्या बताया मैंने आपको, सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो सिलेंडर किससे टच कर रही है, किसके कॉन्टैक्ट में है, सिलेंडर की चार दीवारों के कॉन्टैक्ट में है, जो कि हिल नहीं रहे हैं, है ना, गाड़ी हिल रही है। तो याद रखेंगे क्या रहेगा, नो चेंज। अपरिवर्तित, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी। नंबर 17 पर आते हैं, देखें जरा, यदि परमाणु का माध्य मुक्त पद मुक्त पथ दो गुना कर दिया जाए तो गैस का दाब होगा। पथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, और पथ रिलेट करता है लैम्डा से, है ना, और याद रखेंगे दाब में और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, ये शॉर्ट नोट आप बनाते रहेंगे अपनी कॉपी में, दाब में और पथ में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। और क्या बताया गया, उसने पथ को कितना कर दिया, दो गुना कर दिया, पथ को कितना कर दिया, दो गुना कर दिया, दो गुने का उल्टा क्या होता है, आधा, तो पी कितना हो जाएगा, आधा होगा। समझ में आ गई बात, तो यानी पी बाय टू हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाता है बी। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 पर देखें जरा क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, 0 केल्विन ताप पर गैस की कौन सी राशि शून्य हो जाएगी। याद रखना 0 केल्विन ताप पर, अभी बताया अगर तापमान 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। याद रखेंगे आप, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, थ्योरी की भी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट हमारा क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है ना, इससे अलग इसमें कुछ भी नहीं है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखें जरा क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से देखें जरा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, देखेंगे जरा क्या बोला गया, किसी गैस के लिए R/Cv, है ना, क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। अब ध्यान रखना एक बात, आप याद रखेंगे क्या बात याद रखेंगे, देखो सीपी बराबर जो होता है ना वो सीवी प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये कौन होता है, सी जो है, ये याद रखना, ये विशिष्ट ऊष्माएं है दोस्तों, क्या है, विशिष्ट ग्राम अणु की विशिष्ट ऊष्माएं, बस ये याद रखना, अगर इसके नीचे पी लिखा हुआ है ना, तो क्या नियत होगा, दाब, और अगर इसके नीचे वी लिखा है तो क्या नियत होगा, आयतन। याद रहेगी इतनी बात, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, और आर क्या होता है, ये नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, बात समझ में आ गई। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, सीवी का एक फॉर्मूला और भी होता है, याद रखेंगे F/R, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, F/2 × R होगा, हाँ सॉरी गलत हो गया, CV = F/2 × R, याद रहेगी बात इतनी, क्लियर है भैया, याद रखेंगे आप, ये एफ क्या होता है याद रखना, स्वतंत्र कोटियां होती हैं, डिग्री ऑफ, अभी कराऊंगा आगे क्वेश्चन, है ना, वहां पे समझ में आएगा द्विपरमाणुक में क्या होता है, त्रिपरमाणुक में क्या होता है, समझ में आ गई बात। नंबर 19 को देखो, R/Cv की जो वैल्यू है वो कितनी बताई गई है, 0.67, तो उस गैस में कितने अणु होंगे आपको ये बताना है भैया, क्या बताना है कि उस गैस में, क्या बताना है, उस गैस में कितने अणु होंगे आपको ये बताना है, यानी कि वो कितने परमाणुओं वाली, देखो
जो परमाणु होता है वो क्या होता है, द्वि परमाणु होता है, त्रि परमाणु होता है, ठीक है, यही बात पूछी जाएंगी। तो दो परमाणु है या तीन परमाणु है ये कौन बताएगा, ये डिग्री बताएगी, कौन बताएगी, डिग्री बताएगी। अगर यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखना जरा मुझको अगर ये एफ निकालना हो, मैंने क्या बताया सी वी इक्वल टू क्या होता है एफ बाई टू इन टू आर, है ना दोस्तों। अगर मैं यहाँ से एफ निकालने की बात करूँ तो एफ को कैसे निकालेंगे आप बताना जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एफ को कैसे निकालोगे आप भाई, एफ बराबर सी वी, देखो जरा एफ बराबर क्या होता है टू इंटू सी वी अपॉन आर, हमारे पास क्या आर अपॉन सी वी उल्टा हो जाएगा, यानी 0.67 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर जीरो आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 200 अपॉन 67, याद रखना, और 67 त्रिज्या कितना होता है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया नहीं आया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तीन आ गई, कितनी आ गई दोस्तों, तीन आ गई। और f बराबर तीन किसके लिए होता है, एक परमाणु के गैस के लिए, समझ में आया या नहीं आया। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है देखेंगे जरा, ए, बात समझ में आ गई दोस्तों। ऐसे अगर दो परमाणु का था तो उसके लिए कितना था, पांच आता, याद रखना, समझ में आ गई बात दोस्तों, कितनी बात क्लियर है। चलें जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी देखें जरा क्वेश्चन नंबर 20 सुपर फास्ट, जल्दी से देखें जरा भैया क्या बोला गया। नियत आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 3/2 इंटू आर है। नियत आयतन, देखो नियत आयतन, विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, सी होती है, लेकिन नियत आयतन बोल दिया, आयतन का मतलब सी वी की वैल्यू हो गई। पूछा क्या है तो बताइए, गामा बराबर कितना होगा, क्या पूछा है, ये गामा बराबर कितना होगा ये पूछा गया है। बात समझ में आ रही है भैया, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं जरा। और अगर हम बात करें गामा की, तो गामा का एक फॉर्मूला होता है 1+2/f, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, कितना होता है 1+2/f होता है, समझ में आ रही है बात। तो देखना जरा अगर यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखो ये उसने हमको दिया है, उसने हमको क्या दिया है, सी वी बराबर कितना होता है 3/2 RT, है ना दोस्तों। अब याद रखना ये जो 3 है ये यहाँ से क्या इंडिकेट करता है कि f की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। रख दो यहाँ पर गामा बराबर 1+2/3, 3 बन जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, यानी कि बी इसका आंसर हो जाता है, समझ में आ रही है बात। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, ये बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन लगते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, थोड़ा सा रैपिड फायर लेकर चल रहे हैं, घबराना नहीं है दोस्तों। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या बोला गया, 1 मोल हीलियम, याद रखना 1 मोल हीलियम की बात कर रहे हैं कि सी वी का मान ज्ञात करो, क्या पूछा गया है, 1 मोल हीलियम के लिए सी वी का मान ज्ञात करो। तो बताएं जल्दी से जरा क्या होगा सी वी का फॉर्मूला, भाई सी वी बराबर कितना होता है F/2 × R, और हीलियम कैसी गैस है बोलो, 2H4, कितनी हो गई जल्दी से बताएं जरा, हीलियम कैसी गैस है भाई, एक परमाणु, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम कैसी गैस है, एक परमाणु गैस है, यानी ये कितना आ जाएगा 3/2। अच्छा आंसर जो दे रखा है वो किसमें, आर में ही दे रखा, तो आर छोड़ दो बस, याद रहेगी बात, क्लियर है दोस्तों। चलें जरा आगे, मोनोएटॉमिक गैस है, 23 पर आते हैं, सॉरी 22 छूट रहा था एक, कोई बात नहीं 22 पर आ जाते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए सीपी का मान बताओ, क्या बताया गया, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए सीपी का मान बताओ, है ना दोस्तों। देखो हमको पता है सीपी बराबर क्या होता है, सी वी प्लस आर होता है, इतनी बात समझ। अच्छा सी पी का मान पूछा है ना, ऑक्सीजन के लिए पूछा है, और ऑक्सीजन कैसी गैस है, डायटोमिक है, ओ टू आता है दोस्तों, है ना, तो ओ टू आएगा तो ओ टू, देखो ओ टू कैसी गैस है,
द्विक परमाणु, और द्विक परमाणु के लिए याद रखना F की वैल्यू कितनी होती है, स्वतंत्र कोटि बताया था आपको 3, 5 और 6, याद रखेंगे स्वतंत्र कोटियाँ कितनी कितनी होती हैं, 3, 5 और 6, तो द्विक परमाणु के लिए कितनी होती है, 5, है ना दोस्तों। अच्छा पूछा क्या गया है, इस सी पी की वैल्यू पूछी गई है, की वैल्यू बोलो कितनी है, 5/2+1, आर में ही आंसर पूछा गया है ना, हाँ आर में ही आपसे आंसर पूछा गया है, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 5 कितना हो गया, 7/2 × r, समझ में आ गई बात भैया, सीपी कब निकालना है, सीपी कब निकालना है, आर आपको दिया जाएगा, आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए, देखो ये कंसेप्ट आने बहुत जरूरी है, बात समझ में आ रही है बच्चों, ये कंसेप्ट आने बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीवी का फॉर्मूला कितना होगा, मोनोएटॉमिक होगी तो एफ का मान कितना होगा, 3 होगा, डायएटॉमिक होगी तो 5 होगा, और ट्राईएटॉमिक है तो 6 होगा, ये कौन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र कोटि यानी इतनी प्रकार से ये गैस गति कर सकती हैं। चलें जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, 23, देखो जरा, एक आदमी सर्पिलाकार सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसकी स्वतंत्र कोटि होगी, देखो सर्पिलाकार सीढ़ी का मतलब क्या हो गया, जीने दे, आपने कुछ देने को है ना, आपने ऐसा देखा होगा ना जैसे छत पर चढ़ने के लिए जो जीना होता है वो कैसा होता है, कई बार गोल गोल होता है सांप के आकार का, है ना, वही बिल्कुल यहाँ पर ये जीना बनाया गया है, तो x में भी y में भी और z में भी, तो याद रखना x y z तीनों दिशाओं में गति करेगा और आपका ऑप्शन हो जाता है सी तीनों में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं दोस्तों, क्या बोला गया देखें जरा, एक आदमी हाँ नियत ताप पर क्या पूछा गया, नियत ताप पर किसी द्वि परमाणु गैस से संबंधित स्वतंत्र की कोटियों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर दोबारा सुन लेंगे आप क्या पूछा गया, एफ का मान आपको निकालना है, है ना दोस्तों, क्या पूछा गया है याद रखेंगे आप, नियत ताप पर किसी द्वि परमाणु गैस से, अच्छा द्वि परमाणु गैस की बात कर रहे हैं, देखो आंसर सीधा सीधा बता देंगे, द्वि परमाणु का मतलब है स्वतंत्र कोटि कितनी होगी, 5, फिर बता रहा हूँ मोनोएटॉमिक एक परमाणु है तो स्वतंत्र कोटि कितनी है, 3, द्वि परमाणु है तो कितनी होंगी, 5, और त्रि परमाणु है तो याद रखेंगे 6, ये कौन है हमारे स्मॉल एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटियाँ, यहाँ पर द्वि परमाणु के बारे में बात की गई तो सीधा आंसर आप 5 बता सकते हैं, बाकी निकालने का क्या तरीका होता है याद रखेंगे आप, एफ बराबर जो होता है 3n - r होता है दोस्तों, द्वि परमाणु बोला गया है ना तो परमाणुओं की संख्या, F का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, द्वि परमाणु यानी 2 और R की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, 3 × 6 = 5, ये आपका आंसर हो जाता है, बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, अब बात करते हैं देखें जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदर्श गैस को 27 °C पर, यानी कि 300 K हो गया भैया, 273 ऐड करके, ताप पर नियत दाब पर 3 गुना आयतन गर्म किया जाता है, यानी कि ये T1 की वैल्यू हो गई, क्या बोला गया, जो आयतन है वो 3 गुना कर दिया जाता है, यानी पहले कितना था V, अब कितना हो गया 3 गुना हो गया, क्यों, तो गैस का अंतिम ताप बताइए, ये T2 के बाद T1 के बाद T2 कितना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको याद रखना, फंडा एक ही है उन लोगों का, क्या V प्रोपोर्शनल किसके होता है, T के, अरे यही होता है ना, हाँ V प्रोपोर्शनल किसके होता है, T के, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, V1/V2 बराबर T1/T2, आपको T2 चाहिए तो T2 को ऊपर ले जाओ, V2 कितना है बोलो 3V, और ये V है, और T1 कितना है बोलो 300, इससे कैंसिल हो गया 3×3 = 9, आंसर क्या हो जाता है आपका जल्दी से बताएं जरा, आंसर हो जाता है आपका B, दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको क्लासेस बहुत समझ में आ रही होंगी, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस अपनी करेंगे, बाकी कल से याद रखेंगे आप, हमारे किसी भी अकाउंट पर आप चेक कर लेंगे, आप फेसबुक अकाउंट हो या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट हो, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, तो रेडी हो जाइए मॉक टेस्ट लगाने के लिए, और बाकी आप टेक्स्ट बुक वगैरह से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं,
किसी भी आप उसको ले सकते हैं मॉक टेस्ट को और अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तुरंत आप मुझको इंस्टा पे या कैसे भी आपको फॉलो करके उसको सेंड कर सकते हैं। दोस्तों कितनी बात समझ में आ गई आपको, कितनी बात क्लियर है? अच्छा एक बात नोट करके लिख लेंगे आप। देखो दोस्तों एक होता है हमारा प्रोसेस, अगर हम बात करें समतापी प्रक्रम की यानी कि आइसोथर्मल, नाम से आपको पता लग रहा होगा, क्या पता लग रहा होगा दोस्तों कि समतापी प्रक्रम में अगर मुझको विशिष्ट ऊष्मा निकालनी हो, समतापी प्रक्रम का मतलब क्या, समान ताप जो टी है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और याद रखेंगे आप विशिष्ट ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये ऊष्मा है और ये विशिष्ट ऊष्मा है, याद रखेंगे। ये अणुभार हो गया और ये टी क्या हो गया, आपका तापमान हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैंने क्या कहा, तापमान में परिवर्तन कितना है, जीरो, और सी का मान यानी जीरो है तो सारा कितना हो गया, एक बटे जीरो यानी अनंत आ गया। यानी याद रखेंगे आप समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, अनंत होती है। समतापी प्रक्रम में स्पेसिफिक हीट जो होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा वो कितनी होती है, याद रखेंगे अनंत होती है। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से लिख लेंगे दोस्तों, इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे किस तरीके से कहा गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। बाकी काइनेटिक थ्योरी में इन 25 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं, इनको करने के बाद आप अपने कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है और कोशिश करें एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में दो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कम ही दिन हमारे रह गए हैं, है ना दोस्तों? जल्दी जल्दी हम भी लगे हुए हैं आपके सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करा सकें दोस्तों, ठीक है? तो डेली आप लेक्चर्स लेते रहें, हम लोगों से जुड़े रहें दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी आप दोस्तों अग्निवीर बनने वालों की लाइन में खड़े मिलेंगे, है ना दोस्तों? ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। आगे कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। कमेंट जरूर करें अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, जल्दी कौन सा टॉपिक चाहिए, है ना दोस्तों? टॉपिक्स मैंने भेज दिए थे क्या क्या हमारे फिजिक्स के आ रहे हैं, तो वहां से आप उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जो भी यूनिट आपको थोड़ी टफ लगती हो उसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, है ना दोस्तों? बाकी तो मैं अपने पास से करा ही रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।